गाय एक अद्भुत रसायन शाला। अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक द काउ इज अ वंडरफुल लेबोरेटरी के अनुसार प्रकृति ने समस्त जीव जंतुओं और सभी दुग्धाधारी जीवों में केवल गाय ही है जिसे ईश्वर ने 180 फुट यानी 2160 इंच लंबी आंत दी है, जो कि एनी पशुओं में ऐसा नहीं है, जिसके कारण गाय जो भी खाती पीती है वह अंतिम छोर तक जाता है। लाभ, जिस प्रकार दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन में जितनी अधिक गरारियां लगाई जाती है उसमें उतना ही वसा रहित मक्खन निकलता है, इसीलिए गाय का दूध सर्वोत्तम है। गौ वात्सल्य, गौ माता बच्चा जनने के 18 घंटे तक अपने बच्चे के साथ रहती है और उसे चाटती है, इसीलिए वह लाखों बच्चों में भी अपने बच्चे को पहचान लेती है, जबकि भैंस और जर्सी अपने बच्चे को नहीं पहचान पाएगी। गाय जब तक अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाएगी तब तक दूध नहीं देती है, जबकि भैंस, जर्सी, होलिस्टियन के आगे चारा डालो और दूध दो लो। बच्चों में क्रूरता इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि जिसका दूध पी रहे हैं उसके अंदर ममता नहीं है। खीस, बच्चा देने के पश्चात गाय के स्तन से जो दूध निकलता है उसे खीस, चाका, पेवस, किला कहते हैं। उसे तुरंत गर्म करने पर फट जाता है। बच्चा देने के 15 दिनों तक इसके दूध में प्रोटीन की अपेक्षा खनिज तत्वों की मात्रा अधिक होती है। लैक्टोज, वसा यानी फैट एवं पानी की मात्रा कम होती है। खीस वाले दूध में एल्ब्यूमिन 2 गुनी, ग्लोबुलिन 12 से 15 गुनी तथा एल्यूमिनियम की मात्रा 6 गुनी अधिक पाई जाती है। लाभ, खीज में भरपूर खनिज है। यदि काली गौ का दूध यानी खीज एक हफ्ते पिला दिया जाए तो बरसों पुरानी टीबी खत्म हो जाती है। सिंग, गाय के सिंगों का आकार सामान्य रूप से पिरामिड जैसा होता है। एक शक्तिशाली एंटीना की तरह आकाशीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी को संग्रह करने का कार्य सिंग करते हैं। गाय का ककुद यानी ढिल्ला, गाय के ककुद में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। 40 मन दूध में लगभग 10 ग्राम सोना पाया जाता है जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए गाय का घी हल्के पीले रंग का होता है। गाय का दूध, गाय के दूध में जल 87%, वसा 4%, प्रोटीन 5%, शर्करा एवं अन्य तत्व 1-2% पाए जाते हैं। गाय के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन, 11 प्रकार के विटामिन्स होते हैं। गाय के दूध में कैरोटीन नामक पदार्थ भैंस के मुकाबले 10 गुना अधिक होता है। भैंस का दूध उबालने पर उसके पोषक तत्व ज्यादातर नष्ट हो जाते हैं, परंतु गाय के दूध के पोषक तत्व उसे उबालने पर भी सुरक्षित रहते हैं। गौमूत्र, गाय के मूत्र में आयुर्वेद का खजाना है। गौमूत्र, इसके अंदर कार्बोलिक एसिड होता है जो कीटाणु नाशक है। गौमूत्र चाहे जितने दिनों तक रखे खराब नहीं होता है। इसमें कैंसर को रोकने वाली करक्यूमिन पाई जाती है। गौमूत्र में नाइट्रोजन, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, पोटेशियम, सोडियम, लैक्टोज, सल्फर, एमोनिया, लवण रहित विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, इंजेम आदि तत्व पाए जाते हैं। गोबर, देसी गाय के गोबर मूत्र मिश्रण से प्रोपिलिन ऑक्साइड पैदा होती है जो बारिश लाने में सहायक होती है। इसी के मिश्रण से इथिलीन ऑक्साइड गैस निकलती है जो ऑपरेशन थिएटर में काम आती है। गौमूत्र में मुख्यतः
16 खनिज तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। गाय का शरीर। गाय के शरीर से पवित्र गुग्गल जैसी सुगंध आती है जो वातावरण को शुद्ध और पवित्र करती है। जननी जनकर दूध पिलाती केवल साल 6 माही भर। गौ माता पै सुधा पिलाती रक्षा करती जीवन भर। जय गौ माता।